गर तुम्हारा चमन लुट गया चहचहाने बताओ फिर कहाँ जाओगे, गर कर पत्ते ये पेड़ शाखाएं ना होंगी आसियाना बसाने कहाँ। ग्लोबल वार्मिंग शब्द है, इसके नाम से पता लगता है ग्लोबिंग माने विश्वीय और वार्मिंग माने गर्माहट। पूरा विश्व इस समस्या से परेशान है, ये वैश्विक समस्या है। हमारे प्रधानमंत्री भी आजकल इसका जिक्र करते हैं विदेशों में। बोलो, गर तुम्हारा चमन लुट गया चहचहाने बताओ फिर कहाँ जाओगे, गर कर पत्ते ये पेड़ शाखाएं ना होंगी आसियाना बसाने कहाँ। आज जो ग्लोबल वार्मिंग शब्द है, इसके नाम से पता लगता है ग्लोबिंग माने विश्वीय और वार्मिंग माने गर्माहट। पूरा विश्व इस समस्या से परेशान है, ये वैश्विक समस्या है। हमारे प्रधानमंत्री भी आजकल इसका जिक्र करते हैं विदेशों में। और पूरी दुनिया परेशान है, और पूरी दुनिया परेशान इसलिए है कि पूरी दुनिया ही इसकी जिम्मेदार है। हम सब बैठे हैं, हम सब जिम्मेदार हैं। एक उदाहरण, देसी उदाहरण मैं देता हूं। चमन जी रामलीला देखने जाते थे, भाई दिवाकर पांडे जी बहुत बड़ी रामलीला हमारे यहाँ कराते हैं, सतीश भाई भी कराते हैं। हम रामलीला देखने जाते थे तो स्वेटर पहनकर जाते थे, कभी कभी कंबल और लोई लेकर जाते थे। वो जमाना था जब मुस्लिम भी रामलीला देखने जाते थे। अब तो कुछ माहौल देश का ऐसा बन गया कि सब अलग अलग हो गए, नहीं तो मुहर्रम मनाने हिंदू जाते थे, ईद मनाने और रोजा अफ्तारी करते थे और शामिल होते थे, और मुस्लिम रामलीला देखने जाते थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे मुस्लिम साथी बैठे तो उन्हें भी याद होगा कि जब रामलीला देखने हम जाते थे तो स्वेटर पहनकर जाते थे, अंदर इनर भी पहनते थे, ऊपर से कई बार लोई भी पहनते थे, और मौका मिलता था तो आग भी जला लेते थे कहीं कहीं। और आज हमारे दिवाकर पांडे जी उसमें बकायदा कूलर और एसी का इंतजाम करते हैं। करते हैं दिवाकर जी, यही है ग्लोबल वार्मिंग, यही है परिवर्तन। अगर आधा आधा डिग्री भी 5 साल में बढ़ता रहा तो 45 डिग्री, 46 डिग्री, 47 डिग्री जो कभी सुनने को नहीं मिलता था वो 50 डिग्री तक पहुंच जाएगा सतीश भाई। और तब क्या होगा? अब कहेंगे गर्मी बढ़ रही है तो इससे क्या हो रहा है, एसी चल तो रहे हैं, एसी चल रहे हैं इसलिए गर्मी बढ़ रही है, और गर्मी बढ़ रही है इसलिए एसी चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची। और गर्मी हमने ही बढ़ाई, हमने एसी चलाई। पहले मोहल्ले में एक एसी किसी के होता था, शायद नहीं भी होता था। चमन भाई तो हम कहते थे बड़े पैसे वाले लोग हैं जी, ऐसे ही मानते थे। लेकिन शायद एक घर में आज अगर 5 फ्लोर हैं तो 5 फ्लोर में 5 कम से कम एसी लगे होंगे, 10 भी लगे हों तो कोई बड़ी बात, हर घर कमरे में एसी है। वो जो गर्मी हम छोड़ रहे हैं, हम गाड़ी मरा रहे हैं। पहले गाड़ी मोहल्ले में एक होती थी, हम सबके पास घर में 2-3 दिन है। अब तो अच्छी अच्छी कॉलोनियों में जाओ तो पार्किंग इधर भी है इधर भी है, बीच में से सिर्फ गाड़ी सीधी निकलने का मौका मिलता है। अगर गाड़ी मोड़नी पड़े तो कोई गली देखते हैं फिर जाकर गली में गाड़ी। मैं बिल्कुल आपसे प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ जो रोज आप भुगतते हैं। ये सब कारण ग्लोबल वार्मिंग के हैं, गर्माहट बढ़ रही है। अब गर्माहट बढ़ने से क्या हो जाएगा साहब, गर्मी तो बढ़ रही है, 51 डिग्री, 52 डिग्री, 53 डिग्री भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यों परेशान है? ये परेशान इसलिए है कि ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ग्लेशियर हैं, जो पहाड़ों पर बर्फ जमती थी, जो प्रकृति ने सिस्टम बनाया था वो बेटाइम पिघलने शुरू हो गए। अब समुद्र का लेवल बढ़ने लगेगा, अब बंबई डूब जाएगी, सबको अपनी अपनी चिंता सताने लगी। क्यों चिंता सताने लगी? कि उस ग्लेशियर के डूबने का कारण भी हम। आप कुदरत का निजाम समझिए साहब, जो कुदरत ने हमें बना के दिया। ये हवा आती है, कभी देखी किसी ने कहां से आती है? हम महसूस करते हैं कि खुदा कुदरत भगवान ये है, देखिए ये हवा आ रही है और हमें टच करके जा रही, हम महसूस करते हैं। हम नहाते हैं तो सूर्य देव उसमें से वाष्प ले लेते हैं, भाप ले लेते हैं, समुद्र में से भाप लेते हैं, नदी में से भाप लेते हैं, हम कपड़े धोते हैं तो भाप लेते हैं, और इतना बड़ा फिल्टर सिस्टम लगाया, पाइपिंग सिस्टम लगाया कि उसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर इतना बड़ा स्टोरेज सिस्टम बनाया आकाश में कि उस सबको वहां स्टोर कर लेते हैं, और उसके बाद वहां इतने बड़े बड़े कंटेनर लगे हुए हैं कि उसको जल को उस सब हिस्सों में पहुंचा देते हैं जहां से वो लिया भी नहीं गया, और जब जहां जरूरत होती है उसे बरसा देते हैं। ये कुदरत का निजाम है, उसने हमें दिया था। ऐसे पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है कि जहां कोई आवश्यकता नहीं थी,
वो हमारी आवश्यकता के लिए वहां इतना टेम्परेचर होता था सतीश भाई कि वहां बर्फ जम जाती है, ग्लेशियर जम जाते हैं, और जब जरूरत होती है गंगा में, जमुना में, सरस्वती में और नदियों में, तो वो पानी धीरे धीरे पिघल कर नीचे आना शुरू होता है। और जब उसको टेम्परेचर चाहिए था 35 डिग्री 40 डिग्री 38 डिग्री, तो वहां टेम्परेचर होने लगा 45 डिग्री। मैं गैंगटॉक गया कुछ साल पहले, तो वहां छत के अंदर पंखों के कुंडे नहीं थे, पंखा नहीं लगाते, जरूरत नहीं पड़ती। अभी श्रीनगर जाना हुआ तो मैंने देखा कि वहां घरों में पंखे चल रहे हैं, जरूरत महसूस होती है। यह है ग्लोबल वार्मिंग। जहां ठंड होती थी, जहां लोग परेशान होते थे गर्म कपड़े लेके जाने, वहां भी पंखा चल रहा है, कुछ दिन बाद एसी आ जाएगा वहां। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण वो जो गर्माहट बढ़ी उसने सारा जो डिस्टर्ब किया। अभी कल परसों मेरे कोई साथी कह रहे थे यार दिल्ली का मौसम तो दार्जिलिंग जैसा हो रहा है, ये खुश होने की बात नहीं है। सर्दी में सर्दी पड़ती थी, गर्मी में गर्मी पड़ती थी, बरसात में बरसात पड़ती थी, हमारी फसलें अच्छी होती थी, हमारी सब्जियां अच्छी होती थी, हमारे पेड़ पौधे अच्छे होते थे। अब आप सुनते होंगे अनाज इतना परसेंट कम हो गया क्योंकि बे टाइम ओले पड़ गए, बे टाइम बरसात हो गई। क्यों हो गई बे टाइम? जब हम सब कुछ बिना समय कर रहे हैं तो वहां भी सब कुछ बिना समय हो रहा है। प्रकृति से हमने छेड़छाड़ करी, लोग जागरूक हो रहे हैं, पहाड़ों पर पन्नियां नहीं डालने देंगे, पहाड़ों पर कूड़ा नहीं होने देंगे, पहाड़ों पर कंस्ट्रक्शन नहीं होने देंगे। हमने जंगल काट दिए और कंक्रीट के जंगल तैयार कर दिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी। आप कहते हैं इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन यही है कि जो मैं बोल रहा हूं उससे बचना होगा। अनाज जब पैदा होना बंद, भाई घर में तो अब हमारी पैदावार बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, हमने खेतों में जंगलों में मकान बना दिए। आप दूर दराज कहीं चले जाएं, वहां 20 मंजिल 25 मंजिल 21 मंजिल में, मेरठ से आ रहा था कल परसों, खूब अच्छे वो बने हुए थे, वहां बड़ी बड़ी कंपनियों ने फ्लैट बनाए और सब ऑक्यूपाई हो रखे हैं, लोग रह रहे हैं ना उनमें। तो हर जगह जहां जंगल था, जहां खेती थी, वहां कंक्रीट के जंगल बन गए, लोग बढ़ गए, कहां से अनाज आएगा? क्या छतों पे उगाएंगे? ये असर होगा ग्लोबल वार्मिंग का। पहले हम आराम से रहते थे, अब शहरों में जाने लगे और जंगल बनने लगे, कंक्रीट के फ्लैट्स बनने लगे 20 20 25 25 मंजिल। कई बार तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसे आदेश देने पड़े कि अभी आपने देखा होगा नोएडा में बिल्डिंग को गिराना पड़ा। तो सब हम लोग खुद दुश्मन हैं, हमें समझना होगा। सुबह से शाम तक जो हम ये ग्रीन हाउस गैसें, मैंने उदाहरण दिया एसी का, हम गाड़ियों में चलते हैं, इतनी गाड़ियां हो गई, एसी दिन रात हमारे चलते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी गैसें हम वातावरण में छोड़ते हैं जो सूर्य की किरणों को, सूर्य की गर्मी को, प्रकाश को लेकर वहां गर्माहट पैदा कर देती है। और एक ग्लोबल वार्मिंग पूरे दुनिया में वो बढ़ रही है, दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसको रोकना आसान नहीं है, जिसको रोकने के लिए हमें नदियों को जीवित करना होगा, जिसको रोकने के लिए हमें पेड़ पौधे लगाने होंगे, जंगलात लगाने होंगे जो हमने काट दिए, जिसे रोकने के लिए हमें ग्रीनरी लानी होगी, हरियाली लानी होगी, चाहे घरों पर लगाएं, छतों पर लगाएं, सड़कों पर लगाएं, सड़कों के किनारे लगाएं, ये इसका सॉल्यूशन है। हमें खुद बचना होगा। हम क्या सोचते हैं, जिस तरह सुना कि किसी गांव में एक कार्यक्रम रखा गया कि भाई सब लोगों ने एक एक लोटा दूध लाके डालना है, एक बर्तन रख दिया बड़ा और सुबह सुबह 4 बजे उठ के सब लोग उसमें दूध डालेंगे। सबने सोच लिया, दिवाकर भाई ने सोचा अनिल भाई तो जाएंगे, मैंने सोचा चमन भाई जाएंगे, चमन भाई ने सोचा नावेद भाई जाएंगे, और सबने सोच लिया कि यार वो तो दूध डालेंगे ही, अगर मैं एक लोटा पानी डाल दूंगा तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा। लेकिन सुबह नतीजा यह हुआ 8 बजे कि उस बड़े बर्तन में केवल पानी पानी था। आज भी स्थिति यही है कि हम सब लोग सोचते हैं कि वो कर लेगा, वो कर लेगा, अपने हिस्से का हम सब करना शुरू कर दें। जीते जी हम लोग एक पेड़ नहीं लगाते और जाते जाते कम से कम कई पेड़ ले जाते हैं इन सब चीजों से। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।